मैं राशन बांट रहा था अपने डिप पे। मंगलवार को संजय रैना एक मैडम आई, तेरी शिकायत आई हुई है। मैं कहा क्या शिकायत हुई है, तू गेहूँ कम बांट रहा है। मैं कहा लियाओ मैं रिपोर्ट दिखा दूँगा। कल मेरे पे आज़ाद शर्मा ने मोबाइल पे व्हाट्सएप फ़ोटो डाली, कहता है इस ये तीन बंदे गए तेरी बाइट ले आए हैं और ये सुबह चले गई। कौन कौन तीन लोग थे, किनका नाम लिया? संजय रैना का एक, अनिल लंबा का दो, और एक तीसरा आज़ाद। गए कौन कौन थे आपके पास? मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पास ये रैना गया था सबसे पहले, रैना और एक मैडम इसके साथ, नाम मुझे पता नहीं। आजाद की आपके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है कर रखी आपने? हाँ जी। जिसमें तीन पत्रकारों का नाम ले रहा है वो? हाँ जी। तो अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं सुबह आजाद के घर गया, मैं कहा भाई इसे नबेड़ दे, जैसे मर्जी नबेड़ दे। वो कह मैंने कहा भाई तू 11,000 रुपये ले ले, चलो इज्जत मान होता है, कोई बात नहीं भाई। कहता जी मैं आपको 11 बजे बताऊँगा। इसने रुपये मांगे 22,000 रुपये। कहता मैं 22,000 तो ले लूँगा, मेरा तेरे से मतलब है संजय रैना को तू मनाएगा। संजय रैना के पास गया, संजय रैना मांगता 50,000 रुपये। मैं कहा ज़्यादा है? कहता है, मैंने कहा भाई तू ज़्यादा है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो कहता है बात में सेटिंग हुई 35,000 रुपये की, 25,000 रुपये नगद इसको वहीं दे दिया, 10,000 रुपये 5 तारीख को देने थे, और 25,000 रुपये आजाद को शाम को 9 बजे फिर मैंने ला के दिए आज। 25,000 रुपये कब दिए आपने, किन किन को दिए? संजय रैना को 3 बजे। और कौन था साथ उसमें? आजाद शर्मा। ये उसकी वीडियो भी बता रहे हैं पुलिस ने कब्जे में ले लिया। हाँ जी। वीडियो रिकॉर्डिंग है पैसे ले जाते हुए। हाँ जी। उस समय कोई तीसरा पत्रकार भी था? नहीं, दोनों पत्रकार थे। तो दूसरों का नाम क्यों ले रहे थे ये ड्राकर? ये ड्राकर कहते हैं अनिल लंबा का फोन आया हुआ है, वो तेरी वीडियो बना रहा है। लेकिन वो सामने तो नहीं आए? आते, मुझे शक्ल भी देखी। तो कितने टाइम से ले रहे थे आपसे पैसे? ये 2 साल से हो गया काम चलता हुआ। कितने पैसे? पिछले साल मेरे से 2022 में अक्टूबर में इन्होंने, मिड्डा साहब भी आए थे करण बिहार में, झूठे पत्रकार करके पब्लिक को इकट्ठा करके मेरे को ब्लैकमेल किया, मेरे से 70,000 रुपये ले गए थे। जब DFSC डिपार्टमेंट की अधिकारी भी आए हुए थे? हाँ हाँ। तब हमने भी खबर दिखाई आपका वर्जन लिया जी। तो इन्होंने उसके बाद ब्लैकमेल किया आपको? हाँ जी। क्या कहा उसके बाद? भाई तेरी सप्लाई जब भी खुलेगी तुम पैसे देकर जाएगा। तो अब क्या चाहते हैं आप? मैं इनसे मेरे पैसे दिलवाए जाए जो मेरे से ले रखे इसने 2 साल से, और मैं ये कहता हूँ जिस डिप वाले को तंग किया हुआ कृपया सामने आए। मित्तल साहब बहुत ही दुखद हुआ बता रहे हैं आप, रो रहे थे। सर मैं बहुत परेशान हूँ। तो बता रहे हैं कि बच्चे की अंगूठी भी बेची है आपने? बच्चे की अंगूठी भी बेची है? ये बेच के तो पैसे दिए। परेशान हो रहे थे यार, क्यों परेशान हो रहे थे? गाली ना दे प्लीज। क्या परेशानी थी आपको? ये वीडियो बनाता है, ब्लैकमेल करता है, वीडियो डाल के सस्पेंड सप्लाई करता है। हमारी गरीब डिपो कौन है, क्या 10,000 रुपये कमीशन है उसमें भी कहता है मुझे चाहिए। तो आप दूसरे डिपो वालों को भी कहेंगे कि डरने की जरूरत नहीं है कोई भी? मैं कहता हूँ सर भाई, करता है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करें? भाई सब डिपो होल्डर एक हो जाएं और इनके खिलाफ सुबह 9 बजे सचिवालय में पहुंचे, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो बताया जा रहा है कि करनाल के सभी डिपो होल्डर इकट्ठे होंगे ऐसे पत्रकारों के खिलाफ, ब्लैकमेलर जो करते हैं डिपो वालों को? सारे इकट्ठे होंगे जी। तो मेमोरेंडम देंगे आप? देंगे जी। आज शाम को क्या हुआ, आज कहां पर इसने आजाद ने बुलाया, कितने फोन करे आपको? आज को 20 फोन आए हुए जी मेरे पास। किस नंबर से फोन आए हैं? 70780 70,000 से व्हाट्सएप कॉलिंग, दूसरी कॉलिंग। भाई कितनी देर में आ रहा है, मैं घर जा रहा हूँ, मैं चौक पे उतरी वेट कर रहा हूँ। आपके पास काफी कॉल की रिकॉर्डिंग भी है? 20 फोन की रिकॉर्डिंग आज। तो उसके बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त हुए? हाँ जी। तो 25,000 कहाँ दिया आपने? गुरुद्वारे के पास। उसके बाद बता रहे हैं SHO साहब की रंगे हाथ पकड़ लिया? रंगे हाथ तो पकड़ा है। और भागने की भी कोशिश की? भागने की कोशिश की। अकेला था तब? कल ही था जी। तो अब क्या चाहते हैं आप? इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आप परेशान बहुत हैं? बिल्कुल। बेटे की अंगूठी क्यों बेचनी पड़ी आपको? सर ब्लैकमेल कर रहा था, रात को 9:30 बजे व्हाट्सएप कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग कर रहा है। सारा कुछ प्रूफ है आपके पास? मोबाइल है भाई सर, मैं यदि मैं झूठ बोलता हूँ उसका मोबाइल है उसमें देख लो। आपको लगता है कि बहुत से लोगों को ब्लैकमेल किया होगा भाई सर? इसने तो डिपो होल्डर को, डिपो होल्डर नहीं राइस मिलर को इसने परेशान कराया, पिछले साल राइस मिलर ने इसको पिटा था। तो तब छूट गया था? ये छूट गया, पता नहीं क्या छूटा कैसे छूटा था। अब इसने सी विंडो लगा रखी राइस मिलरों की। तो आप चाहेंगे जो भी लोग हैं सामने आए? मैं कह रहा हूँ सर 101% सब सामने आए, कोई अफसर है उसको ब्लैकमेल कर रहा है इसने। अपने 25,000 3 बजे इसको दे दिए थे, दूसरे रैना को 9 बजे इसको दिए 25,000 रुपये, 9 अंगूठी बेच के ले आए थे। हाँ जी। तो लगता है इनके तीन के अलावा और भी कोई शामिल है भाई सर? कहीं है, इनका ग्रुप बना हुआ है 8-10 आदमियों का ग्रुप है। पत्रकार ने भी 50,000 मांगे आपसे? आते ही 2 आदमी सिर्फ, क्या 1100 रुपये इज्जत मान होता है दिवाली पे? कभी भाई साहब आए डब्बा ले लो मिठाई का 1100, क्या 1500 का डब्बा आता है? लगता है कि ऐसे लोग पत्रकारों के नाम पर धब्बा है भाई साहब, धब्बा ये लोग बदनाम करते हैं पत्रकारी को। और भी पत्रकार हैं उनको भी बदनाम करते हैं, सबको बदनाम करते हैं। ऐसे के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, 101% होनी चाहिए। जो लोग हैं उनको सामने आकर बताना चाहिए, बताना चाहिए कितने पैसे से ले रखे, क्या क्या कर रहा है तुम्हारे साथ। और भी लोगों ने बीच में इसमें आपसे बातचीत करने की कोशिश करी कि आप इतने पैसे दे दीजिए, ऐसी कोई बात भी हुई? नहीं। कोई इनके साथ पहले पकड़े गए हों कोई ऐसे पत्रकारों के नाम आए? नहीं। मेरे लगभग आज तक कितने पैसे ले गए आपसे? ले मेरे से 2-3 लाख रुपए ले गए। SP साहब ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है, मैं SP साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसमें पुलिस का जो मेरे से सहयोग दिया है मैं इसका शुक्रगुजार हूँ। आप चाहेंगे गरीब आदमी आपने जितने पैसे दिए हैं वो सारे वापस होने चाहिए? बिल्कुल सर।
एसपी साहब से क्या हाथ जोड़ के अपील? सर एसपी साहब से अपील है कि मेरे पैसे दिलवाए जाएं जैसे मर्जी। सारे ये देख रहे हैं करनाल के सिविल लाइन थाना से किस तरह से देख सकते हैं दो पत्रकार जो हैं वो बताए जा रहे हैं करनाल में रिश्वत मामले में पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार किया। आखिरकार क्या कुछ पूरा मामला एक बार जानने का प्रयास करेंगे किस तरह से दो कथित पत्रकार जो हैं वो बताए जा रहे हैं। देखिए हमारे पास कंप्लेंट आई थी एक डिपो धारक हैं जिन्होंने बताया कि कोई पत्रकार बल्कि उन्होंने बताया कि कोई फर्जी पत्रकार है और वो ब्लैकमेल करके और डरा धमका के झूठे मुकदमे दर्ज करवाने का भय दिखा करके और उनसे पैसे लेता रहता है। दो पत्रकारों के उन्होंने नाम दिए थे तो उस उनकी कंप्लेंट पे उच्च अधिकारियों के संज्ञान में ला करके ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब नियुक्त हुए तो उनकी अध्यक्षता में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और जो उन्होंने परिवाद में आरोप लगाए थे उसी प्रकार से जो पैसे उससे मांगे गए थे वो पैसे उसने उनको दिए जो पत्रकार हैं और तुरंत ही ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ हमारी टीम थी जो मौके पे उसको काबू किया। सर पुलिस की तरफ से अच्छी कार्रवाई की गई है लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कौन ये पत्रकार है ताकि और भी जो लोग पीड़ित हों वो भी सामने आ सके प्रूफ बहुत होते हैं लोगों के पास। देखिए आजाद शर्मा नाम करके हैं अभी इनकी कोई और आईडी लाइसेंस या कोई पत्रकारिता का ऐसा प्रूफ भी इन्होंने नहीं दिया है तो आजाद शर्मा नाम है जो आरोपी काबू किया गया है अब काबू करके इससे पूछताछ की जा रही है। दूसरा संजय रैना जो परिवाद में नाम लिया गया है अभी उस पर कार्रवाई चल रही है। सर सबसे बड़ी बात है कि लाइसेंस वाली तो यहाँ कोई बात ही नहीं है डिपो होल्डर्स पे दर्जनों कॉल की गई है उसके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है जिसमें वो पैसे मांग रहा है। देखिए ये सारा इन्वेस्टिगेशन का विषय है इसमें मैं तो सर रेड हैंडेड पकड़ा गया इनको वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब के सामने ही उसने जो परिवाद दी है तो उसको पैसे पकड़ाए हैं जो पत्रकार भाग गया वहाँ से नहीं उसको वो काबू करके और उससे वो पैसे बरामद कर लिए गए। सुबह भी लिए इन्होंने बता रहे हैं उसकी भी वीडियो है देखिए वो जांच का विषय है उसमें तो लोगों से क्या अपील करेंगे सर ऐसे फर्जी पत्रकार या जो ब्लैकमेलर पत्रकार हैं उनसे सावधान जरूर हैं और पुलिस को तुरंत शिकायत कर सकते हैं इसकी। ऐसा है जी देखिए पुलिस हर टाइम 24 घंटे समाज की सेवा के लिए कोई भी किसी भी समय किसी भी विपत्ति में है या कोई उसको ब्लैकमेल कर रहा है या डरा धमका रहा है तो हमारे पास वो कंप्लेंट कर सकता है। कितनी डिमांड की गई थी सर देखिए इनका पिछले काफी समय से ये बता रहे हैं कि साल डेढ़ साल से वो इससे लेते जा रहे हैं तो वो सारी चीजें अच्छे से जब जांच हो जाएगी उसके बाद अभी इन्होंने मौके पे 25 उसको हैंड ओवर किए थे जो उससे बरामद किए। दोनों के नाम क्या हैं और कितने लोगों के नाम सामने आ रहे हैं? आजाद शर्मा पत्रकार है और संजय रैना और जो परिवार सामने आ रहे हैं। सर देखिए अभी कुछ नहीं कह सकते आ रहे हैं कुछ लोगों के नाम वो जांच का विषय है उसमें तो बिल्कुल आप देख सकते हैं जांच का विषय है किस तरह से देख सकते हैं एक बड़ा आकार जो आज आपको बता दूं कार्रवाई जो है वो की गई है पुलिस की तरफ से दो पत्रकार जो कथित अपने आप को पत्रकार बताते हैं किस तरह से देख सकते हैं एक बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है।